सोशल मीडिया पर समूचे देश भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने में युवा वर्ग सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे देश की पुलिस ने अब लठ उठा ली है। तफरी काटने घर से निकले युवक युवतियों को पुलिस अब अपने तरीके से समझा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से फैली महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शाम दोबारा राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसके बाद आधी रात से पूरे देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। बावजूद इसके फिर भी लोग किसी न किसी बहाने घरों से बाहर आने से हिचक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार जनता से अपील की थी कि लोग अपने घरों में रहे सोशल डिस्टेंस बनाए। पीएम मोदी ने कहा था कि 21 दिनों का ये लॉकडाउन एक तरह से कर्फ्यू है। सबकी जिंदगी बहुत कीमती है। सोशल मीडिया हो या वास्तविक जीवन में हो, कुछ लोग हैं कि अभी भी कोरोना को लेकर प्रशासन की अपीलों के प्रति मजाकिया लहजे में पेश आ रहे हैं। जबकि पीएम मोदी जी ने बताया था कि हु के मुताबिक कोरोना वायरस के पहले केस से लेकर 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लगे, फिर 1 लाख से 2 लाख पॉजिटिव केस सिर्फ 11 दिन में हो गया, जबकि अगले मात्र 4 दिनों में ही कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर 3 लाख हो जाएगी। लिहाजा सभी लोग घरों पर रहे, बाहर नहीं निकले। इतनी चेतावनी के बाद भी लोग सारी कवायद को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। ये ट्रेंड अब जानलेवा है। ऐसे में देश भर के प्रशासन ने लाश उठवाने से बेहतर है समझा है कि लठ उठा ले। ऐसे लोग समाज के लिए घातक आत्मघाती सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब लठ से टुकेगा तभी घर पर रुकेगा। प्लीज स्टे होम। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश भर से कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वही सड़कों पर तफरी काटने वालों को पुलिस लठी जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे हम आपको कई वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए हैं, जिसमें पुलिस लड़के लड़कियों सबकी सुताई कर रही है। आपसे भी हमारा अनुरोध है कि अपने घरों में रहे, देश हित में परिवार हित को ध्यान में रखकर कदम उठाए, क्योंकि आप भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो वीडियो में दिख रहा है वह आपके साथ भी हो सकता है। तो जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो पुलिस उनकी सुताई भी कर रही है। अंत तक जरूर देखिएगा।
इधर
देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।